प्रयागराज महेवा टीसीआई चौराहे पर आज नवरात्र के प्रथम दिन मां दुर्गा मंदिर में आरती पूजा अर्चना कर भक्तगणों ने दर्शन किए। वहीं नवरात्रि पर्व का प्रथम दिन भक्तों ने माता रानी शेरावाली मां का जयकारा लगाते हुए दर्शन कर प्रसाद ग्रहण किया। उसके बाद आई हुई महिला शक्ति भजन कीर्तन किया। वहीं त्रिवेणी संगम सेवा समिति महेवा प्रयागराज के सचिव दिनेश यादव ने भी माता रानी की आरती कर पूजा अर्चना कर भक्तों को प्रसाद वितरित किया और क्षेत्रवासियों से कहा कि हम सबको मिलकर माता रानी की आरती पूजा अर्चना में एकत्रित हों और उनका आशीर्वाद लें और आने वाले 2024 अप्रैल माह में पुनः त्रिवेणी संगम सेवा समिति द्वारा कन्या सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कन्या सामूहिक विवाह में गरीब असहाय कन्याओं का विवाह समिति के नेतृत्व में कराया जाएगा। पूरे देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। हमेशा की सनातन धर्म की परिभाषा है कि साल में दो बार नवरात्रि होती है, जिसे हम पूजन करते हैं और जगत के कल्याण के लिए माता भगवती से कामना करते हैं। त्रिवेणी संगम सेवा समिति महेवा प्रयागराज के नेतृत्व में यहाँ महेवा की सिलाई गई पुष्प दुर्गा मंदिर पर आज प्रथम दिन है नवरात्रि का। माँ शैलपुत्री के रूप में आप सभी ने प्रत्यक्ष दर्शन और आरती पूजन किया। यह सिलसिला प्रत्येक नवरात्रि के प्रत्येक यह आरती शाम 7 बजे मैं क्षेत्रवासियों से भी निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसे परोपकारी और धर्माधिक कार्य के लिए आप सब एकत्रित हो और सनातन धर्म की परिकाष्ठा को जीवन रखने के लिए नवरात्रि मंदिरों में पूजन करें, भजन करें, आरती करें, प्रसाद वितरित करें, भंडारा करें और इस पूरे देश में हम जितने हम देशवासी हैं हम माँ भगवती से कामना करेंगे सब खुशहाल रहें। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।